मैं एससी मिश्रा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वर्ग दशम, विषय हिंदी, पाठ्य पुस्तक क्षितिज, पाठ संख्या 5, पाठ उत्साह अट नहीं रही है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भाग 5। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा का अर्थ कांति, ब्यूटि, चमक, तन का अर्थ शरीर। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। नव का अर्थ आकाश, आसमान, व्योम, पर का अर्थ पंख। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाठ पाठ शोभाश्री पट नहीं रही है। उर का अर्थ हृदय, मंद का अर्थ फीका, गंध का अर्थ खुशबू, पुष्प का अर्थ फूल, प्रसून, कुसुम, सुमन, माल का अर्थ माला, हार, पाठ पाठ का अर्थ जगह जगह, शोभाश्री का अर्थ सौंदर्य। पट नहीं रही है पट का अर्थ समाना। फागुन माह के सौंदर्य में डूबे हुए कवि को सर्वत्र फागुन का उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। सर्वत्र का अर्थ सभी जगह। प्रकृति का उन्माद कहीं समाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उन्माद का अर्थ जोश। कवि को फागुन माह की शोभा कहीं भी समाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। चारों ओर प्रकृति का सौंदर्य बिखरता दिखाई दे रहा है। कवि महोदय फागुन से कह रहे हैं, हे फागुन, जब तुम श्वास लेते हो तो अपनी छोड़ती हुई श्वास के साथ सुगंध से चारों ओर प्रसन्नता भर देते हो। सुगंध का अर्थ खुशबू, प्रसन्नता का अर्थ खुशी। पर्यावरण श्वास के साथ महक उठता है। इतना ही नहीं, अपनी सुगंध में पर लगाकर आकाश में उड़ जाते हो। पर का अर्थ पंख, जिससे आकाश भी सुगंधित हो उठता है। यहां कवि महोदय कहना चाहते हैं कि फाल्गुन मास की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह पृथ्वी के सिर्फ कोने कोने तक ही नहीं बल्कि संपूर्ण पर्यावरण में, यहां तक कि संपूर्ण आकाश में उसकी खुशबू मिल जाती है और वह अपने सौंदर्य को चारों ओर इस कदर बिखेर देता है कि कोई व्यक्ति उस सौंदर्य को अपने दृष्टि में समेट पाने में सक्षम नहीं होते। कवि के सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन मास सौंदर्य से अभिभूत होकर निरंतर निहारता है। अभिभूत का अर्थ विचलित, निरंतर का अर्थ हमेशा, निहारना का अर्थ देखना। सौंदर्य दर्शन से अपने दृष्टि को हटा पाने में असमर्थ हो गया है। कवि महोदय कहते हैं कि हरेक व्यक्ति फाल्गुन की सुंदरता को देखने में, अपने आंखों को वहां से हटाने में अक्षम हो गए हैं। वे देख रहे हैं कि नव पल्लवों से लदी पेड़ों की शाखाओं पर कहीं हरी हरी पत्तियां हैं तो कहीं नव प्रस्फुटित लाल लाल कोमल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फाल्गुन के हृदय पर मंद मंद गंध को बिखेरती हुई पुष्प माला पड़ी हुई है। इस तरह सौंदर्य से भरपूर फाल्गुन की शोभा सब जगह इतनी फैल रही है कि कहीं समा नहीं पा रही है। समाना का अर्थ अटना। धन्यवाद।